मुंगेर के खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र के रठेता गांव में आग लगने से कोहरा मच गया। गांव में पहले देवन साह नाम के शख्स के फूस के घर में आग लग गई। फूस के घर होने से गांव के दूसरे घरों में आग फैलने लगी। बताया जा रहा है कि चूल्हे के आग से उठी चिंगारी ने फूस के घर में आग पकड़ गई। ज्यादा गर्मी ने और तेज हवा की वजह से आग एक घर से दूसरे घर में फैलने लगी। देखते ही देखते आग ने चार घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगी की घटना के बाद अगल बगल के घरों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए लोग पाइप से पानी डालते नजर आए। वहीं पीड़ित परिवार का इस आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। भारी नुकसान की वजह से पीड़ित परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। गांव के लोगों ने मदद के लिए दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन वक्त पर कोई मदद नहीं मिल पाई। गांव के लोगों ने अपने तरीके से आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की। कुछ लोगों ने लपलपाती लपटों को देखकर घर के कीमती सामान को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं अगलगी में गांव के किसी शख्स के हताहत होने की सूचना नहीं आई है। गांव के लोगों की शिकायत है कि अगर दमकल की गाड़ी वक्त पर आ जाती तो नुकसान को कम किया जा सकता था। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।